हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स व्हेन आइडेंटिकल सेल्स आर यूज्ड, यानी कि एक ही टाइप के, एक ही ईएमएफ के सेल्स यूज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे उन सेल्स का तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेल्स यूज हो रही है उन सभी का जो ईएमएफ है वो सेम है, ओके। एंड जब भी कनेक्शन किया जा रहा है तो हर एक सेल के पॉजिटिव प्लेट का कनेक्शन एक जंक्शन पे एक पॉइंट पे किया जाएगा, एंड उन सेल्स के सारे नेगेटिव प्लेट्स का एक कॉम्बिनेशन यानी ज्वाइन किया जाएगा एक पॉइंट पे, ओके। अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एन पॉइंट्स है, ओके, इन एन पॉइंट्स को, जंक्शन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो इस केस में यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं उन सभी का जो ई एम एफ है वो कैपिटल ई होगा, ओके। एंड अगर मैं बात करूँ टोटल ई एम एफ कितना होगा तो वो भी ई होगा, कैपिटल ई। वाई द रीज़न भी, जो ई एम एफ होता है वो एक्चुअली क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो जैसे कि हमको पता है कि दो एंड पॉइंट्स के बीच में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक जैसा होता है, राइट। इसी पॉइंट से जो ईएमएफ होता है वो भी सेम ही होगा, यानी कि ओवरऑल, यानी कि टोटल जो ईएमएफ होगा वो कैपिटल ई होगा, ओके स्टूडेंट्स। और इन सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, दैट इज स्मॉल आर, ओके। तो अब हम इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन होंगे किस तरीके से फ्लो होगा, चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने डायग्राम में देखे थे कि किस तरीके से हमने सारे सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको अरेंज किए हैं, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली हम लेट कर रहे हैं कि हमने एन सेल्स को जो है ज्वाइन किए हैं एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ओके। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिन सेल्स का यूज किया गया है वो सारी ही सेल्स इक्वल है, सेम है, जैसे कि हमने बताया थे। तो हर एक सेल का जो ईएमएफ होगा वो कैपिटल ई होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा, ओके। तो क्योंकि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सारी पॉजिटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट किए एक एंड पे एंड सारे नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किए हैं एक दूसरे पॉइंट पे, ओके। तो उस केस में जो टोटल ईएमएफ होगा वो कैपिटल ई होगा, क्योंकि ये सेम है पोटेंशियल डिफरेंस के, हमने अभी आपको बताया थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें अब इंटरनल रेजिस्टेंस की, इट मींस टोटल रेजिस्टेंस की, तो हमने पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि अगर कुछ रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किए गए तो उस केस में होता है वन अपॉन आर डैश, विच इज आर डैश मींस टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर अप टू द एन टाइम्स। तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर डैश इज इक्वल टू एन अपॉन आर, ओके। तो आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन एन, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ई एम एफ कितना है, दैट इज कैपिटल ई, एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन एन, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि टोटल रेजिस्टेंस कितना यहाँ हो रहा है, तो हो जाएगा कैपिटल आर प्लस जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस था स्मॉल आर अपॉन एन, वो भी प्लस हो जाएगा। तो चलिए अब इस पर अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो थ्रू दैट सर्किट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज आर प्लस आर अपॉन एन, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एन आर प्लस आर एन अपॉन, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है जो टोटल करेंट शो कर रहा है अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं सेल्स को कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे वापस से दो केस होंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर दूसरा केस देखेंगे जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं केस नंबर वन। तो केस वन में हम देख रहे हैं कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, तो उस कंडीशन में हम इस इक्वेशन में से स्मॉल आर को निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये निग्लिजिबल है, राइट। तो जाएगा I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा I इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ये जो ई अपॉन आर है वो एक्चुअली करेंट है जो कि एक सेल में से फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस केस में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको मिनिमम करंट मिलने वाली है, उससे कोई हमको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया इन द वर्ड्स, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अब केस नंबर टू। केस टू में हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस केस में जो फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन कैपिटल आर प्लस आर, तो वहाँ पे हम कैपिटल आर इट मीन्स एन आर को हम इग्नोर कर देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन आर, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमको मिल गया फॉर्मूला, दैट इज आई इज इक्वल टू एन इन टू ई अपॉन स्मॉल आर। तो ये जो कैपिटल ई अपॉन आर है एक्चुअली ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है जो कि एक सेल में से फ्लो हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे टोटल करंट हमको मैक्सिमम मिलने वाली है
वाई? द रीजन बींग एक सेल का एन मल्टीपल हमको मिल रहा है, इट मीन्स हमको यहाँ पे जो करंट मिल रही है वो मैक्सिमम है. ओके तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हर एक सेल का वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन होगी, आई मीन उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उस कॉम्बिनेशन में से, तो वो एन टाइम्स होगी जितनी एक सेल में से हमको इलेक्ट्रिक करंट मिल सकती है. ओके तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम करंट मिल रही है. ओके स्टूडेंट्स तो इस कंडीशन में आपको बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन ही यूज़ करना चाहिए अगर आप स्ट्रॉन्ग करंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो. ओके स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा. अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.